So, welcome back to another video of Two Side Gamers. भाई लोग कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है. And guys, आज के दो दिन पहले इसने और जश ने जश का आइडिया था. वो जिसका भी आइडिया हो उसने मेरे को बोला तेरा आइडिया था. दोनों ने मिलकर मेरी आईडी के साथ बहुत बकचोदी करी है. भाई तुम्हारा आईडी में डायमंड डाल आईडी छोड़ के जाता हूँ निब्बे, और तू मेरी आईडी से मस्ती करेगा. भाई मैं डायमंड डाल रहा था. गाइस प्रैंक कर रहे थे मेरे साथ, ऋतिक भाई के साथ प्रैंक. भाई डाला मैंने डायमंड यार. तुमको पता है मैं प्रैंक पे आता हूँ तो मैं बहुत बैंड बजाता हूँ, भूलना मत. भाई तो मेरे साथ प्रैंक नहीं होगा. मेरे साथ प्रैंक होता है ना तो मैं बहुत भड़क जाता हूँ और मैं फिर देखता नहीं हूँ आगे पीछे. तो आइंदा से सोच लेना वीडियो में किधर दिखा भी मेरी प्रैंक वाली तो भाई तेरी गर्दन अलग कर दूंगा मैं. सही में मजाक सेट के. अभी गाइस जस्ट ने मेरे साथ किया था तो उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं. अभी गया हुआ है कैंपिंग को, बाहर गया हुआ है. भाई जस ने ही वो प्लान बनाया था. जस ने ना, इसीलिए तो आज मैं उसकी आईडी खोल के बैठा हूँ. अब खोल के इसको ऐसा खोलूंगा गाइस आज खुली सोची ना होगी. इसने मेरे साथ प्रैंक किया था ना. हाँ भाई इसने प्रैंक आज मैं इसका वी बैच, इसका फर्स्ट लीड पास वगैरह सब ले लूंगा. आज मैं तो बोलूं भाई इसका वी बैच सच में निकाल के लूंगा. उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है गाइस, जो वो सोच भी नहीं सकता वैसी चीज करूंगा. इसका वी बैच परमानेंटली गरीना खुद डिलीट करेगी. आज गरीना खुद करेगी और जश भाई रोएंगे. मतलब आज देख, और आइंदा से अगर तूने किया ना तो तेरा जो वी बैच आने वाला है आने वाले टाइम में वो भी नहीं आएगा भाई. फिट्टूस मतलब फिट्टूस हो जाएगा भाई. हाँ. तुमने जश के साथ किया, जश ने तुमने अभी अभी देख तो सही. फिट्टूस नहीं, आज उसकी फाड़ूंगा मैं. मैं अभी कितने 44,000 डायमंड है मेरे को. 34 के नीचे लाया था ना. हाँ. आज मैं इसको, इसको बताता हूँ. 14 के नीचे ला लो भाई, मजा आएगा. डायमंड कैसे उड़ाते मैं इसको बताता हूँ, ठीक है? सही में? हाँ, इसने उड़ाओगे? इसने क्या ही उड़ाया मेरे. तो चलो गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते जस भाई की आईडी की बैंड बजाना. चल लक रॉयल में जाएंगे, पहले देखते इसके पास क्या है. एक तो इस निब्बे की आईडी में गाइस कुछ है भी नहीं. हाँ. मेरे को पता है ये भी नहीं होगी. अरे मुझे पता था भाई, मेरे को भी मेरे पता पास था. पूरा स्टोर है गाइस, इसके पास कुछ भी नहीं है. भाई क्या भाई, कैसे गुंडा बनेगा, कैसे यूट्यूबर बनेगा गाइस. ये यूट्यूबर के लायक ही नहीं है. तो आज इसका वीवेट ले ही लेंगे. वीवेट तो ले ही लेंगे भाई. मतलब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने परिमैच के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक परिमैच ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि एक बेस्ट एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है. IPL वापस शुरू हो चुका है ना, आप IPL को और भी ज्यादा एंजॉय कर सकते हो परिमैच पे खेल के. परिमैच एक लीगल ऐप है जिसमें लो मिनिमम डिपॉजिट एंड फास्ट विड्रॉल हो जाता है. एंड इसमें 24/7 कस्टमर सपोर्ट है. 3 easy steps में आप परिमैच पे रजिस्टर कर सकते हो. सिंपली फर्स्टली आपको गूगल पे जाना है, परिमैच टाइप करना है एंड फर्स्ट लिंक को ओपन करना है. देन आप साइन अप पे क्लिक करो, अपना फोन नंबर डालो एंड पासवर्ड डालो. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज, आपको यूज करना है मेरा प्रोमो कोड बेस्ट बोनस 137, जिससे आपको मिलेगा स्पेशल वेलकम बोनस. और शुरू करो पैसे जीतना. आपको मिलेगा 150% डिपॉजिट बोनस अप टू ₹20,000. आप खेल सकते हो परिमैच में क्रिकेट लेजेंड डेल स्टेन के साथ और जीत सकते हो रियल मनी. जयश भाई सॉरी, मैं तुम्हारा साथ दिया, आज इनका साथ दे रहा हूँ. हाँ देना ही पड़ेगा. इधर परमानेंट निकाल दी इसके आईडी में. इसको आईडी में कुछ नहीं आता. मैंने इसको ड्रैगन एके निकाल के दी थी. क्या था वो, क्या था इतना सा था सही में, जब मैंने उसको फ्री फायर में लाया था और मेरी आईडी की बैंड बजाएगा. अब मैं बता दूं, देख गन स्किन मिलने के बाद भी स्पिन. अरे भाई ऐसे मत डायमंड वेस्ट करो. ये जो डायमंड वेस्ट होते ना इसका दुख होता है, दुख. ये वो वीडियो देखेगा ना तब उसको पता चलेगा कि मेरा दुख क्या था. भाई आज उसको दुख दिखाऊंगा कि गन स्किन होने के बाद भी मैंने उसकी डायमंड कैसे वेस्ट किए थे. भाई निब्बे पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है. यूट्यूबर होते हैं और यूट्यूबर पे ये सारे बंडल ना हो तो कैसे चले, कैसे चलेगा जयेश भाई, कैसे चलेगा. रॉलिस तक पे है ये यूट्यूबर अभी बन रहा है तो क्या भाई, इसके पास भी है और तेरे पास नहीं है. निब्बा मैं निकाल के मैं बना रहा हूँ तेरे को आज कैसे बनते हैं. आज जयेश भाई की आईडी प्रो कैसे बनते हैं, नूब था ये, नूब टू प्रो हो गया. नूब टू प्रो जश को बनाना पड़ रहा है गाइस. यही तो भाई, क्या दिन आ गया एकदम निब्बा. लेट्स सी गाइस, इधर एकदम अपन ने निकाल दिया है नया बंडल, नया वाला लक रॉयल ओपी वाला एकदम. अभी इसमें भी थोड़े वेस्ट करेंगे, वेस्ट कर दर्द होना चाहिए गाइस. प्रो तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बट साथ में थोड़े लोचे भी करूंगा. जब तक मैजिक क्यूब ना निकले तब तक स्पिन मारते रहो. चलो गाइस, जब तक मैजिक क्यूब ना निकले तब तक स्पिन मारेंगे. मैजिक क्यूब भी नहीं है निब्बे पे तो चलो भाई, ये भी निकाल के देंगे भाई, ये भी निकाल के देंगे. इसको बताते कि कैसे मैजिक क्यूब होते हैं, कितने मैजिक क्यूब होने चाहिए. तो मतलब जब तक मैजिक क्यूब नहीं आएगा हम चेक भी नहीं करेंगे कि मैजिक क्यूब आया कि नहीं आया. लेट्स गो भाई. निकलता तो है ना मैजिक क्यूब. अरे दूसरी बार बंडल निकल गया.
भाई डायमंड कितने थे? कितने थे? कितने भाई? तीसरी बार बंडल भाई। मतलब ऐसे तो अपन दो गिव अवे कर लेते। हाँ यार ये बहुत उड़ा दिया अपने मैजिक क्यूब निकाल दिया। वैसे भाई निकाल दिया। हाँ दो मैजिक क्यूब निकाल दिए भाई। अरे 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 एक और मैजिक क्यूब जज भाई को दिला दिया। तीसरा थोड़ा गुस्सा कम होना मेरे पे। अब थोड़ा ये हुई है। हाँ। अब थोड़ी आईडी लग रही है। तीसरी बात ये यूट्यूबर है गाइस और इसके पास ये देखो न्यू में जाओगे ना अब ये इधर चीजें परचेस करने के लिए परचेस कर रही है। ये होती है यूट्यूबर की पहचान भाई। कैसा यूट्यूबर स्टोर परचेस्ड होना चाहिए भाई। तुमने देखा क्या ब्रॉन्ज पे बैठा है ये नुबड़ा भाई साहब। गाइस अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका तो उसको ही करना पड़ेगा कुछ। तो मैं इसको इसमें प्रो बना के दे सकता हूँ कि लुक में एकदम प्रो लुक में दिखना चाहिए भाई। मतलब जश है भाई वो। हाँ अब आया ना मजा। अब आया मजा। कैरेक्टर तो है निब्बे पे सारे सब है भाई। है चलो कुछ तो है गाइस भाई। इधर ये नहीं है यार। ये सब ये तो लेडीज है। चलो ये ओ भाई। अरे अरे ये तो है। चलो इतना तो है गाइस भाई। लेडीज लेडीज वाली आइटम छोड़ रखी है भाई ने तो वो हम सेन सकते हैं। हाँ ये भी सब लेडीज ओके। ओ भाई ये क्या दिख भाई। मैं तो बोलू सकुरा भी डिलीट कर दो भाई। वो करेंगे गाइस आगे आगे चलो। अभी तो होता है क्या अभी तो मैंने प्रैंक स्टार्ट किया बेटे। अभी मैंने स्टार्ट किया अभी इसने देखा क्या। अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यस ब्रो अब जाएंगे इसमें स्क्वाड और करेंगे ग्लोबल वालों को इन्वाइट। सही में एकदम। फिर देख भाई मतलब आने दो जिसको भी आना है आ जाओ ग्लोबल वालों। आज तुम्हारी खुली लॉटरी है भाई। मतलब गिफ्ट देंगे ओपी वाले। एक आया कैसे एक आया। हाँ यहाँ से भाई माइक ऑन कर लो। माइक क्यों ऑन करना है डायरेक्ट भाई फ्री में। अरे फ्री में बांटेंगे आज। भाई कुछ महंगा सा दो एकदम। ये ले एकदम महंगा 900 डायमंड का बंडल इसको ले भाई तू ले। मतलब खुश करना आता है। बिग फैन बोला भाई उसने। बिग फैन बोल दिया टाइप करके ले भाई ले भाई तू। एक और आया इसको भी खुश करेंगे। इसको भी खुश करो भाई ले इसको। हाँ ये वाला बंडल दो इसको भाई। अलग वाला देते हैं ये इसको नहीं। हाँ इसको भी इसको दे भी दे दो भाई। ये वाला नहीं दिया ना तो इसको ये वाला भी देंगे। डायमंड बहुत है जज भाई पे। भाई उसने मेरे आईडी में बैजेस लिए थे आज मैं उसकी आईडी में क्या क्या लूंगा। क्या लोगे भाई मतलब। हेलो भाई क्या किसको हेलो कर रहे हो भाई। इनको भूत है क्या। हाँ कौन ये लोग भाई भूत है भाई। हाँ भाई सबको फर्स्ट कौन आया था राइडर भाई मजा आया कि नहीं आया भाई साहब। क्या देख रहा हूँ मैं अपनी आंखों से देखो तुम्हारी आईडी में क्या क्या आया है राइडर भाई। मतलब गिफ्ट दे रहे भाई काशी ग्लोबल। एक दो तीन तीन मंडल। अरे भाई साहब ये सब क्या देखना पड़ रहा है भाई। ये सब एकदम ओपी। तुम लोग सब जज भाई की फ्रेंड लिस्ट में भी आ जाओ एकदम भाई। वो सोचेगा इनको कॉल लिया है सबको भाई साहब। रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ बहुत पहले से कल इनवाइट पे इनवाइट डालना तीनों। उसको तो लॉटरी लगा दी। उसको मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों बंडल दे दिए। तीनों के तीनों बंडल लॉटरी लग गया आज तो उसकी गाइस। आज तो नाचेगा गाइस। अगर इस वीडियो पे आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। 5000 नए सब्सक्राइबर बढ़े तो अगली बार ना मैं तो ऋतिक भाई का कार्ड हैक करूंगा भाई। उसमें से 25,000 के डायमंड्स गिव अवे करूंगा। सही में आज ही इसी वीडियो पे होगा गाइस। ये वीडियो देखेगा उससे पहले आज ही अभी उसका कार्ड लूंगा और सब पैसे निकाल लूंगा। कमेंट में क्या करना है अपनी यूआईडी स्पैम करना है सब्सक्राइब करके। 5000 नए सब्सक्राइबर जैसे ही बढ़ जाएंगे जस भाई के आईडी से आपको आने वाले जस भाई के कार्ड से आने वाले आपको पैसा ही पैसा। डायमंड्स 25,000 डायमंड का गिव अवे होगा आज का सबसे बड़ा गिव अवे। आज तो नाचेंगे। करो भाई सब्सक्राइब पाड़ेंगे। अब बता ये सब भी नहीं है भाई। मैं क्या बोल रहा था पहले। हाँ। कैरेक्टर में जाओ क्रोनो की सब एबिलिटी बदल लो। क्रोनो की भाई वो तो वैसे ही नूबड़ा है भाई। नूब नहीं बना सकते इसको पहले गिल्ड से भगा। गिल्ड में तो आई भाई कोई नूब गिल्ड ज्वाइन कर। मेरा नाम टट्टी सा रखा था ना। अब इसका नाम ही टट्टी रखेंगे। मिस्टर टट्टी जस। गाइस मेरे साथ प्रैंक अपन सोचते नहीं है भाई। मतलब बैंड बजा डाल देते बैंड। ऋतिक भाई कैसा रिवेंज लेते हैं भाई एकदम। रिवेंज प्रो मैक्स अल्ट्रा प्रो मैक्स रिवेंज ले लिया इधर तो चल ये भी हो गया। अब क्या बैंड बजानी है इसकी बता तू मेरे को बता। अब भाई मैं तो बोलू वी बैच तो मैं निकालूंगा इसका। हाँ। थोड़ी देर बाद निकालूंगा बट मेरे को थोड़ी और इससे ये करना पड़ेगा रिवेंज लेने के लिए कि भाई हाँ भाई गन स्किन्स यार डिमोट नहीं कर सकते इसको। डिमोट
अरे हाँ भाई, डिमोट कैसे नहीं कर सकते, सारी मैक्स करके बैठा है निब्बा भाई, सारी की सारी मैक्स करके बैठा है। कोई नहीं, वॉल्ट में जाते और इसका ये बिगाड़ देते। नहीं नहीं भाई, ये मत बिगाड़ो, तो कैरेक्टर दूसरा लो भाई, कैरेक्टर कैरेक्टर का स्किल्स बिगाड़ो भाई, क्रोनो का कैरेक्टर बिगाड़ लो, ये कैरेक्टर लेते भाई, वो क्रिमिनल है भाई, इसमें क्रोनो की बैंड बजा देते ना, बैंड बजा दो, एक तो इसने लगा भी निब्बी सी, ये रहे अपन और भी निब्बी चीजें लगाते, ये लगा दो भाई, और नूबड़ा कौन है, और एकदम और नूबड़ा, हैट्रिक हैट्रिक नूबड़ा, इसका अपग्रेडेड तक नहीं है गाइस, वार्ड तक अपग्रेडेड नहीं है भाई, कितने करने होता भाई, पूरा एलीट पास खोल दे, सही में पूरा भाई 100 बैचेस कर, 100 पूरा एलीट पास तो खोलना ही पड़ेगा, एक 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 वन वन कैसे बनेगा, हाँ ये बात, अब मजा आएगा, अब बनाना असली यूट्यूबर ये तो बैजेस लो भाई, ओ भाई अब आया ना सब भाई, क्या क्या है अब, एक से एक चीज आई है, ये अच्छा स्केटबोर्ड का, ये क्या है, ओह ओ भाई भाई, ये तो ग्रेनेड है, ग्रेनेड है वो, हाँ खतरनाक गाइस, ये एलीट पास आप लोगों ने तो देख ही लिया रहेगा, तो इसमें ज्यादा बोर नहीं करते, ये सब हटाओ भाई, इसकी आईडी की कैसे बैंड बजानी है भाई, अपन ने ना इसकी आईडी से सारे के सारे वी बैज वाले बंदे वी बैज वाले बंदा ही नहीं है कोई इसकी, लो ये भाई इसका बेस्ट फ्रेंड को उड़ा दिया इसको लेजेंड भाई को, गाइस वी बैज होनी नहीं चाहिए इसकी लिस्ट में, क्योंकि आज इसका वी बैज जाने वाला है, हाँ भाई, तो फिर अगली बार से इसको कोई भाव भी नहीं देगा, तो सारे के सारे वी बैज वाले फ्रेंड हटा देते हैं, फ्रेंड हटा दो, कोई भी यूट्यूबर, कौन कौन से यूट्यूबर है इसके पास, अभिषेक भाई उड़ा दो, कौन है और यूट्यूबर, कौन इसकी आईडी भाई, तो सब 30 दिन वाले लोग है भाई, कोई भी नहीं है इसकी फ्रेंड लिस्ट में, तो वैसे ही तो और भी हमने हटा दिया, अब तो निब्बा ये ले स्काईलॉर्ड पे भी वी बैज नहीं है, तो इस पे भी वी बैज नहीं होना चाहिए भाई, स्काईलॉर्ड को भी उड़ा दिया, सबको उड़ा दिया भाई, और श्रेय को भी उड़ा, लड़की अरे अरे लड़की भी भाई, और न्यूज चैनल तक पहुंच भी ना पाए तो वो भी उठा देते, वो भी भाई ग्रैंड मास्टर वाला प्लेयर को भी भगा दो भाई 79 लेवल प्लेयर उड़ा दो और कौन है बोल ही नहीं सकता, क्योंकि लाइक ही नहीं बची अब ना, अब ये भी हो गया, अब इसके ना ये भी हटा देते सारे इमोट्स विमोट्स, ताकि परेशान हो जाएगा, ग्रुप में जाएगा आके और देखेगा कि इमोट्स ही नहीं है मेरे पास, तो बैंड बज जाएगी, इधर अपन वर्सेस करते हैं, वर्सेस करने का भर के इसके बाद ही इसको वर्सेस का चैलेंज दूंगा, और इमोट दिखा के परेशान करूंगा, क्योंकि ये तो इमोट दिखा नहीं पाएगा, हो गया एक और भाई, किधर भी डालो चलता है, हट गया सब इटा, मतलब सबके सब डिलीट कर दो, सबके सब हट गए, सब इमोट तक हट गए गाइस, इसकी तो पूरी बैंड बच गई, आज इसकी फट के हाथ में आने वाली है, चल अब बारी है वी बैच को किक आउट करने की, गाइस वी बैच को किक आउट करने के लिए फोन ला मेरा, हां मेरा फोन तुम्हारे पास है, इसके वी बैच के लिए ना मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट रेडी रखी है, कि कैसे इसका वी बैच हटने वाला है, क्या कैसे, अब लगेगा एक फोन, किसको, अभी है सिंगापुर में सुबह, हाँ ठीक है, अब लगेगा गैरिना फ्री फायर को, गैरिना फ्री फायर इंडिया, एरा ना, हाँ एरा आ गया, चलो भाई अब जो मजा आने वाला है, ये बात हम कॉल पे नहीं बता सकते, क्योंकि गैरिना के साथ ये है, उनके रूल्स है कि हम उनकी बातें कॉल पे नहीं बता सकते, तो रुको कोई दिक्कत नहीं है, फोन उठा ले एक बार, नहीं रिंग जा रही है, हाँ भाई आज तो कर ही दे, हेलो, हाँ मैं बोल रहा था, वो जश अभी फ्री फायर खेलता नहीं है, वो BGMI पे शिफ्ट हो गया है, तो उसकी वी बैच क्या रोनिश को दे सकते हैं हम, हाँ BGMI चालू कर दिया उसने, तो जो फ्री फायर बैन हुआ तो गेम के साथ गद्दारी, हाँ गेम के साथ, हाँ टू साइड पे भी अब वीडियो वगैरह बनाता नहीं है, मेरे को अकेले को संभालना पड़ रहा है, हाँ देखो रोनिश को हो सके तो रोनिश को करा दो उसका वी बैच, हटा रहे सही में,
अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ वही। अरे मेरे को खुद को गुस्सा आ गया, BGMI चालू कर दिया यार। मतलब खेलो यार, BGMI इज अ गुड गेम, बट ऐसे फ्री फायर को तुमने डिलीट ही कर दिया, वो गलत है ना। BGMI भी अच्छा है, मैं मानता हूँ कि मैं भी खेलता हूँ BGMI, बट फ्री फायर तो मतलब दोनों रखने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गेम डिलीट कर दिया। गेम डिलीट करना अच्छी बात नहीं होती। हाँ सही है, हाँ हटा रहे हो ना क्या? रोनिश को थोड़े दिन में आएगा क्या? ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। क्या बात हुई भाई, हो गया काम सही में। मैंने ऐसे ही भिड़काया गरीना वालों को, और भाई BGMI खेल के उसने फ्री फायर ही डिलीट कर दिया भाई। एक बार के लिए वो मान नहीं रहे थे कि BGMI खेला तो क्या हो गया। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको ऐसा बोल दिया कि फ्री फायर डिलीट ही कर दिया, अब खेलता ही नहीं है। उन्होंने बोला 2 मिनट से गेम को रिस्टार्ट करो, काम हो गया। तो अब उन्होंने बोला 2 मिनट का वेट करना है, बस 2 मिनट गाइस जल्दी से चले जाए, फिर अपन रुकेंगे वी बैच जाने के लिए। मुझे लगता है चला गया रहेगा, लॉग आउट करके ट्राई करते हैं। चल भाई लॉग आउट तो करके रखते हैं, कर दो भाई। मतलब लॉग आउट कर दिया गाइस, क्या जश का वी बैच चला गया होगा भाई। रुक जा, मैं तो बोलूं 10 सेकंड उनको टाइम दो निकालने के लिए। निकलने के बाद ही भाई लॉल ना हो जाए कि बीच में चले जाए और उनसे निकले। तब तक 10 सेकंड में आप लोग सब्सक्राइब कर दो। 10 सेकंड में गाइस, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, क्योंकि क्या होने वाला है, जश भाई का वी बैच यहां सब, और 25,000 डायमंड का गिव अवे होगा। अगर इस वीडियो से 5,000 नए सब्सक्राइबर आए तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है, कमेंट में अपनी UID स्पैम कर दो गाइस, कमेंट स्पैम कर दो। मतलब 25 लकी विनर को मैं 1,000 डायमंड डायरेक्ट ID में डालने वाला हूँ, तो जल्दी से जाके कर दो। अभी मुझे लग रहा है अब तक उड़ गया रहेगा। चलो भाई लेट्स सी गाइस, इधर से तो ऐसे दिख रहा है हट गया, अब इधर आता है कि नहीं आता मुझे पता नहीं, बट इधर से हट गया, इधर से हट गया। चल मुझे लग रहा है चला गया, चला गया, चला गया, चला। अरे बैच गया, वी बैच गया, वी बैच गया, वी बैच गया, अब मजा आएगा ना बिड़ू। गाइस बहुत उड़ रहा था, मेरे साथ प्रैंक कर रहा था, मेरे साथ प्रैंक कर रहा था, तू मेरे साथ निभे और मेरे को फंसाया था तूने। गया तेरा वी बैच, गया तेरा वी बैच, अब क्या करेगा, अब कैसे बोलेगा, अब तो कोई इसको पहचानेगा भी नहीं, ना कोई यूट्यूबर फ्रेंड लिस्ट में, ना कोई कॉन्टेक्ट है इसके पास जिससे ये ला पाएगा वापस वी बैच। अब इसको ग्लोबल प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ेगा, अब तो इसको ग्लोबल वाले भी नहीं है इसकी फ्रेंड लिस्ट से, सब भी हटा दिया गाइस, प्रोफाइल से भी इसकी वी बैच हट चुका है। अब मजा आएगा ना, अब एकदम सही में निब्बी सी आईडी होगा इसकी, निब्बी सी। और मैं तो बोल रहा हूँ और भी थोड़े इसके और भी कुछ रहेगा नहीं, इसकी स्टोर में निकाल ही देते डायमंड। हाँ भाई निकाल ही देते। ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये इमोट तो है इसके ऑलरेडी, कुछ नया है क्या? ये तो सब है ऑलरेडी, सब है मतलब, ये तो सब निब्बी जैसी आइटम है गाइस। आर्मरी भाई एक काम करो भाई, मेरे को थोड़े गिफ्ट कर दो। अभी गिफ्ट तो अपन ने 3 भेज दिए आज के। अरे हाँ गिफ्ट तो नहीं भेज सकते गाइस, देखते कुछ डेली स्पेशल, डेली स्पेशल। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो क्या हुआ, खरीद लो, खरीद लेते ना भाई, एक चीज खरीद लेते क्या? अरे अरे भाई सब पैसे 2,000 पड़े, तो ये खेलते वही तो चीज है ना, जो चीज ऑलरेडी हो गया। और हम बेफालतू की और खरीद ले तो बहुत ज्यादा दुख होता है, दुख होता है। तो इधर आप लोग देख सकते हो गाइस, 2,000 कस्टम, मतलब किसको बोलते अभी कम है, कितने कम है, 121 कम है, 21 कम, 21 और